चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर बिंद टोलिया में बुधवार की रात एक 6 साल के मासूम बच्चे को एक महिला ने अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना मिलते ही चौरी चौरा पुलिस और जिले के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया तथा कई टीम गठित कर घेराबंदी करके महिला और बच्चे को महज 5 घंटे के अंदर शाकुशल बरामद कर लिया। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 1 सितम्बर को एक अज्ञात महिला द्वारा चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर बिंद टोलिया निवासी प्रतीक निषाद के 6 वर्षीय पुत्र ब्रजेश निषाद का हत्या करने के नियत से अपहरण किया गया था, जिसको देखते हुए चौरी चौरा थाना प्रभारी दिलीप कुमार शुक्ला व टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घटना के महज 5 घंटे के अंदर लड़के को महिला के साथ देवीपुर से सकुशल बरामद कर लिया। SSP ने बताया कि अपहरणकर्ता महिला से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सविता निषाद, पत्नी श्री राम निषाद निवासी करजहां थाना खोराबार तथा अपना मायका शिवपुर बिंद टोलिया थाना चौरी चौरा बताया, जिसका घर अपहरता प्रतीक निषाद पुत्र ब्रजेश निषाद के घर के बगल में होना बता रही है तथा महिला का संबंध तांत्रिक से बताया जा रहा है। SSP ने बताया कि प्रतीक निषाद को उसकी माँ रुबीना को सुपुर्द कर दिया गया है तथा बच्चे को शाकुशल पाकर रुबीना का चेहरा खिल उठा। बच्चा मिलने पर उन्होंने चौरी चौरा पुलिस को धन्यवाद दिया है। SSP ने कहा कि बच्चे को बरामद करने वाली टीम को 21,000 का पुरस्कार भी दिया जा रहा है तथा अपहरणकर्ता महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी दिलीप कुमार शुक्ला, SSI मनोज यादव, जयप्रकाश यादव, प्रणव ओझा, अजय यादव, हीरा यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपहृत बच्चे की मां रुबीना एवं SSP डॉक्टर विपिन तारा ने कहा, अच्छा यहाँ से ये जो है तो कसम क्यों है साहब, मैं गोरखपुर के संबंधित पुलिसों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 5 घंटे के अंदर मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पास ला कर दे दिया। साहब 12-1 बजे करीबन मेरा बच्चा गायब हुआ। 3 बजे के करीबन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म की, पुलिस ने जांच पड़ताल करके मेरे बच्चों को सही सलामत मेरे पास दे दिया। वहाँ पर लोकेश निषाद हैं, उनके घर में से उनका बच्चा 6 साल का गायब हो गया था। सुबह सवेरे 4 बजे इन्होंने पुलिस को थाने पर सूचना दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम लगी और घटना का अनावरण करने में, बच्चे को खोजने में। इस पर CCTV और अन्य लोगों से पूछताछ की मदद से पुलिस ने 5 घंटे के अंदर यह बच्चा बरामद किया है और इसमें जो एक महिला है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वो किस काम से बच्चे को ले जा रही थी, कहाँ ले जा रही थी, इस बारे में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये ऐसा है बात कि वो महिला अपने आप को उसी गांव की बता रही है, इनकी सपुर ने तस्दीक की जा रही है। यह भी शक है कि ये कोई शोखे के चक्कर में इनको ले जा रही थी और इनके जो साथी हैं अन्य, उनकी जानकारी कर उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी तक इनका एक और साथी होना पाया जा रहा है, जिनको भी हम तलाश कर रहे हैं।